नमस्ते, मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाभाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। आज हम इस वीडियो में किरातार्जुनीयम महाकाव्य के विषय में बातचीत करेंगे। महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य, जिसकी कथा का सारांश तथा इसकी कथा कहाँ से ली गई है और मूल कथा में किस प्रकार से कवि भारवी ने परिवर्तन किए हैं, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम किरातार्जुनीयम का एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर प्राप्त कर लें। महाकवि भारवी ने महाभारत आर्ष महाकाव्य के वन पर्व में वर्णित एक छोटे से उपाख्यान को विकसित, पुष्पित तथा पल्लवित किया है। जैसा कि हम सभी को विदित हैं, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य एक आर्ष महाकाव्य है, जिसको आधार बना करके अनेक परवर्ती कवियों ने अपनी रचना की है। उसी के अंतर्गत महाकवि भारवी द्वारा रचित यह किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। महाभारत के वन पर्व में एक छोटे से उपाख्यान का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिसमें श्री अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं और भगवान शिव उन्हें प्रसन्न होकर के पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। इसी एक छोटे से उपाख्यान को महाकवि भारवी ने एक महाकाव्य के रूप में पल्लवित किया है। महाकाव्य की कथा निम्नानुसार है। धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन से धृतकिरण में पराजित हो जाते हैं और अपने भाइयों के सहित द्वैत वन में निवास करने लगते हैं। एक वनेचर को दुर्योधन की राज्य स्थिति और प्रजा विषयक व्यवहार को जानने हेतु गुप्तचर रूप में वह हस्तिनापुर भेजते हैं। वह गुप्तचर दुर्योधन की समस्त शासन प्रणाली और प्रजा हितार्थ किए गए कार्यों का संपूर्ण समाचार लेकर के द्वैत वन में युधिष्ठिर से मिलते हैं। वनेचर द्वारा कहे गए संपूर्ण वृत्तांत को राजा युधिष्ठिर द्रौपदी एवं अपने अनुजों को सुनाते हैं। शत्रु के अभ्युदय की बात को सुन करके द्रौपदी अत्यंत ही क्रोधित हो जाती हैं और महाराज युधिष्ठिर को संधि तोड़ के शीघ्र ही युद्ध हेतु प्रेरित करती हैं। भीमसेन द्रौपदी का समर्थन करता है। महर्षि वेदव्यास के निर्देशानुसार अर्जुन शत्रु कौरवों को पराजित करने हेतु इंद्र को प्रसन्न करने कठोर तपस्या करता है। इंद्र द्वारा प्रेषित अप्सराएं उसके तप में विघ्न उत्पन्न करती हैं, किंतु वे सफल नहीं हो पाती हैं। प्रसन्न इंद्र अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव की आराधना की आज्ञा देते हैं और अर्जुन पुनः शिव आराधना में लग जाता है। अर्जुन की परीक्षा लेने हेतु शिव किरात वेश में उपस्थित होते हैं। वहां पर उपस्थित एक वराह अर्थात जंगली सुअर पर शिव तथा अर्जुन दोनों एक साथ अपने बाण चलाते हैं। उस वराह पर स्वामित्व को लेकर शिव तथा अर्जुन का परस्पर युद्ध होता है। अंत में अर्जुन के पराक्रम को देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। अर्जुन शिव की स्तुति करते हैं और भगवान शिव की परम कृपा से अर्जुन को दिव्यास्त्र अर्थात पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हो जाती है। यही कथानक महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम में वर्णित है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस महाकाव्य का जो मूल आधार है महाभारत, उसके वन पर्व में जो कथा वर्णित की गई हैं और भारवी द्वारा रचित जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य हैं, उसकी कथा में कहाँ कितना परिवर्तन कवि के द्वारा किया गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा वस्तु का मूल स्रोत महाभारत का वन पर्व है। कवि भारवी ने इस मूल कथा में कुछ परिवर्तन भी किए हैं। महाभारत कथानुसार महर्षि वेदव्यास पाशुपत अस्त्र प्राप्ति हेतु युधिष्ठिर को कहते हैं, फिर युधिष्ठिर अर्जुन को तपस्या करने हेतु कहते हैं, किंतु किरातार्जुनीयम में वेदव्यास स्वयं ही अर्जुन को तपश्चरण हेतु प्रेरित करते हैं। दूसरा परिवर्तन हम यहाँ देखते हैं कि महाभारत के अनुसार अर्जुन अपने मंत्र बल से इंद्रकील पर्वत पर पहुँच जाते हैं, परंतु किरातार्जुनीयम में यह कार्य वह एक यक्ष की सहायता से करते हैं।
महाभारत में इंद्र स्वयं अर्जुन को तप से विचलित करने का प्रयास करते हैं, किंतु इस महाकाव्य में इंद्र के द्वारा सर्वप्रथम अप्सराएं आती हैं और उन अप्सराओं के असफल रहने पर इंद्र स्वयं वहां पर आते हैं। मूल कथा के अनुसार शिव तथा अर्जुन का युद्ध होता है, किंतु इसमें स्कंद के सेनापतित्व में शिव सेना तथा अर्जुन का युद्ध होता है और सेना के परास्त हो जाने पर शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन किया गया है। महाभारत कथानुसार अर्जुन के मूर्छित हो जाने पर शिव अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देते हैं, किंतु महाकवि भारवी ने इस महाकाव्य में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार शिव युद्ध करते हुए ऊपर की ओर उछलते हैं, तब अर्जुन उन्हें पैर पकड़ के नीचे की तरफ खींचता है और इसी पैर पकड़ने के कारण प्रसन्न होकर के शिव अपना वास्तविक रूप प्रकट कर देते हैं और उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं। यह जो अनोखा प्रसंग यहाँ बताया गया है वह कवि भारवी की अद्वितीय सुंदर कल्पना का उदाहरण है। महाभारत कथानक में अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के पश्चात इंद्र की आज्ञा से स्वर्ग दर्शनार्थ चले जाते हैं और वहाँ पे कुछ वर्षों तक दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करते हैं और उनका अभ्यास करके फिर युधिष्ठिर के समीप लौटते हैं। किंतु किरातार्जुनीयम महाकाव्य में अर्जुन पाशुपत अस्त्र प्राप्त होने के पश्चात अविलंब युधिष्ठिर के पास लौट आते हैं। साथ ही इस महाकाव्य में हिमालय पर्वत, गंधमादन पर्वत, इंद्रकील आदि पर्वतों का बहुत ही सुंदर वर्णन है और साथ ही ऋतु वर्णन भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से महाकवि भारवी ने मूल उपाख्यान की कथा को परिवर्तित करके उसमें कुछ संशोधन करके इस संपूर्ण कथानक को एक महाकाव्य का रूप प्रदान किया है। धन्यवाद।